हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट आई क्यू, योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। The Konark Sun Temple is located in which Indian state? Konark Sun Temple जो है ये ओडिशा में located है, तो correct answer इसका है ओडिशा। The book War and Peace is written by, War and Peace जो book है आप picture देख के बता सकते हैं, it is written by Leo Tolstoy, तो correct answer is Leo Tolstoy। In which of the following Indian states is Lai Haroba Festival celebrated? Lai Haroba Festival जो है वो following options में से मणिपुर में celebrate किया जाता है। It is one of the famous festival of Manipur, exams में पूछा जाता है, तो correct answer is मणिपुर। The Golden Temple is located in which city? Golden Temple जो है वो अमृतसर पंजाब में located है, हम सभी को पता है, तो correct answer is अमृतसर पंजाब। तमिलनाडु इज़ नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भारतनाट्यम, तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम। द फेमस इंडिया गेट इज़ अ वॉर मेमोरियल लोकेटेड इन विच सिटी? इंडिया गेट कहाँ पर लोकेटेड है? देन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। अनब्रेकेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश? अनब्रेकेबल जो है वो मैरीकॉम का ऑटोबायोग्राफी, आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज मैरीकॉम। द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया था? देन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसको फिनिश किया था। 1199 में इसका स्टार्ट हुआ था एंड इसको फिनिश किया गया था बाई इल्तुतमिश। एंड ये 5-स्टोरी का बिल्डिंग है, ये भी पूछा जाता है, करेक्ट आंसर इसका है दिल्ली। साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई किरत खम्भू राय कम्युनिटी ऑफ देश? साकेवा जो है ये सिक्किम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है? देन किरत खम्भू राय कम्युनिटी, करेक्ट आंसर इसका है सिक्किम। इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय? वंदे मातरम किसने लिखा था? देन बंकिम चंद्र चटर्जी या तो फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आता है कभी ऑप्शन में। ही रॉट आवर इंडियन नेशनल सॉन्ग, इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है? देन वंदे मातरम। लेकिन अगर इंडियन नेशनल एंथम पूछे तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। इंडियन नेशनल एंथम इज जनगण मन एंड इंडियन नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। Who wrote the famous book The God of Small Things? The God of Small Things बहुत ही famous book है, जिसको Booker Prize भी मिला था, written by Arundhati Roy, तो correct answer is Arundhati Roy। The Jim Corbett National Park is India's oldest national park, located in which state? Jim Corbett National Park जो है उत्तराखंड में located है, established in the year 1936, ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना, तो correct answer is उत्तराखंड। Which Indian city is often referred to as Queen of Hills? Queen of Hills किस सिटी को जाना जाता है? Then Darjeeling is known as Queen of Hills, तो correct answer is Darjeeling। When is International Ozone Day celebrated? International Ozone Day is celebrated on 16th September every year, तो correct answer इसका है 16th September। And इसको क्यों celebrate किया जाता है on 16th September? Then due to signing of Montreal Protocol in 1987, 16th September 1987 को Montreal Protocol साइन हुआ था। Montreal Protocol किस से associated है? Then ozone day या तो फिर ozone layer से associated है, ये भी question आता है, आप लोग याद रखना। In the Indian state of Goa is often called as dash, Indian state of Goa is known as the party capital of India, तो correct answer the party capital of India। India shares its longest border with which country? India अपना longest international border share करता है with Bangladesh, कितना किलोमीटर long border share करता है? Then India shares a total of 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का। एंड किसके साथ और शेयर करता है? देन लैंड बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, टोटल 7 लैंड बॉर्डर्स एंड 2 वाटर बॉर्डर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। The Gateway of India Monument was built to commemorate the visit of which British monarch to India? Gateway of India जो मुंबई में located है, ये built किया गया था to commemorate visit of
किंग जॉर्ज फाइव. तो करेक्ट आंसर इज किंग जॉर्ज फाइव जब आए थे उनके स्वागत सत्कार के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया गया था इन मुंबई. द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स एंशियंट डेस. इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान जो है अपने पैलेसेस एंड फोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो करेक्ट आंसर इज पैलेसेस एंड फोर्ट्स. व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. पंजाब इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. व्हाई इट इज नोन एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. देन जो फाइव रिवर्स है इंडस के ट्रिब्यूटरीज है चेनाब, झेलम, रवि, सतलज एंड ब्यास. ये फाइव रिवर्स आके पंजाब में मिलते हैं एंड आगे बहते हैं, उसी को इंडस कहा जाता है. पंचनर इसको कहा जाता है जब ये फाइव रिवर्स मिलते हैं कहाँ पे, देन पंजाब में. एंड दैट इज़ व्हाई पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री. इंडिया का जो स्टेट है मिजोरम, मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है विद म्यांमार. म्यांमार के साथ और कौन कौन सा स्टेट इंडियन स्टेट शेयर करता है बॉर्डर, देन मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. ये फोर इंडियन स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है म्यांमार.